ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण एंटरटेनमेंट और मैं हूँ आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस बार बात करेंगे नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण की। इंडियन आइडल 11 इस बार अपने कंटेस्टेंट से ज्यादा नेहा कक्कड़ की वजह से ज्यादा चर्चाओं में रहा। कभी नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण की शादी चर्चा का विषय बनी तो शो में नेहा कक्कड़ ने अपने इमोशंस या फिर अपने ब्रेकअप की वजह से भी लाइमलाइट को अपनी तरफ खींचा। उनकी कई कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन आइडल के होस्ट और सिंगर आदित्य नारायण भी कॉन्ट्रोवर्सी किंग रह चुके हैं। उनकी कॉन्ट्रोवर्सी शो तक सीमित नहीं है बल्कि नौबत पुलिस थाने तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, दरअसल आदित्य नारायण को रफ ड्राइविंग के लिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। आदित्य नारायण ने एक ऑटो रिक्शा में अपनी गाड़ी से जोरदार टक्कर मार दी थी। इस टक्कर से ड्राइविंग करने के बाद वारसोवा पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। हालांकि बाद में 10,000 रुपए फाइन देकर उन्हें बेल मिल गई थी। दूसरा मामला एयरपोर्ट स्टाफ के साथ बदतमीजी करने का है। इस बार आदित्य नारायण अब्यूज बिहेवियर की वजह से सुर्खियों में आए। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट में आदित्य को 40 किलो से ज्यादा वजन का बैग ले जाना मना था, जिसके बाद उन्हें 13,000 का जुर्माना देना था, लेकिन वो 10,000 रुपए से अधिक देना तैयार नहीं हुए। इसके अलावा एक अनजान महिला द्वारा आदित्य नारायण को थप्पड़ मारना भी उन्हें सुर्खियों में ले आया। मामला साल 2011 का है, जब एक अनजान महिला ने गलत बिहेवियर के लिए आदित्य नारायण को थप्पड़ जड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य नारायण ने एक महिला पर गलत टिप्पणी कर दी और उनके करीब आने की कोशिश की थी। इस बदतमीजी के कारण महिला ने सबके सामने आदित्य नारायण को थप्पड़ जड़ दिया। तो देखा आपने कि नेहा तो नेहा, आदित्य भी कंट्रोवर्सी में कम नहीं है। वेल, एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही रोचक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।